दोस्तों आईपीएल 2022 में अब तक का शायद सबसे रोमांचक रन चेज देखने को मिला गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले मैच में। आपको बता दें गुजरात टाइटंस की हार लगभग पक्की दिख रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात सनराइजर्स और गुजरात के बीच खेले इस मैच पर बिल्कुल सटीक बैठती दिखी। गुजरात टाइटंस ने 196 रन का चेज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। इसी के साथ उसने पहले मैच में सनराइजर्स से मिली हार का बदला भी ले लिया। दरअसल ये दोनों टीमों की इस टूर्नामेंट में दूसरी भिड़ंत थी। गुजरात टाइटंस के लिए आखिर के ओवरों में राहुल तेवतिया और राशिद खान ने मैच का गियर बदला। दोनों ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और सनराइजर्स के गेंदबाज उमरान मलिक के 5 विकेटों पर पानी भी फेरा। सनराइजर्स को हराने का असर पॉइंट टेबल में गुजरात की स्थिति पर भी हुआ है। अब वो फिर से टूर्नामेंट में नंबर 1 टीम बन गई है। उसने राजस्थान रॉयल्स को दूसरे नंबर पर ढकेल कर फिर से अपनी खोई बादशाहत हासिल कर ली है। खैर लौटते हैं मुकाबले पर और बात करते हैं उस रनचेज की जो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ की है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, खासकर गुजरात के उन दो बल्लेबाजों का जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। हालांकि मैच का रुख पलटना राहुल तेवतिया की पुरानी आदत रही है और वही काम उन्होंने किया जिसमें उन्हें अफगानी पठान राशिद खान का भी पूरा साथ मिला। दोस्तों 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस को आखिरी दो ओवर में 35 रन बनाने रह गए थे। सनराइजर्स की ओर से गेंदबाज थे डेक ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन, लेकिन उनकी काबिलियत से पार पाते हुए 19वें ओवर में राहुल तेवतिया ने अपना लोहा खूब मनवाया। तेवतिया और राशिद ने मिलकर 19वें ओवर में 13 रन लूटे। अब आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 23 रन की जरूरत थी। पहली गेंद को राहुल तेवतिया ने बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, तो दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और अब क्रीज पर आए करामती खान जिन्होंने तीसरी गेंद पर छक्का लगाया। चौथी गेंद उसने मिस हो गई और यहां आखिरी दो गेंदों पर टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। फिर क्या, खान साहब ने पहले कवर्स और फिर फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़कर गुजरात टाइटंस की झोली में जीत डाल दी। दोस्तों तेवतिया और राशिद का आखिर के दो ओवरों में लगाया ये जोर उमरान मलिक के पहली बार 5 विकेट लेने वाले कमाल पर भारी पड़ गया। हालांकि इसके बाद भी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उन्हें ही मिला। इससे पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रन बनाने थे। सनराइजर्स की ओर से अभिषेक शर्मा ने 65 रन, एडम मार्करम ने 56 रन, जबकि आखिर के ओवरों में शशांक सिंह ने सिर्फ 6 गेंदों पर 25 रन ठोके थे, लेकिन अंततः जीत गुजरात को ही नसीब हुई। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर कुछ ऐसा ही मैच देखने को मिला जिसके लिए आईपीएल जाना जाता है। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने हैदराबाद के जबड़े से जीत छीन ली। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बताएं।